नमस्कार, नए साल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मुदिता। कहते हैं समय की गति के साथ ही हर राशि में ग्रहों की चाल बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं और उसी के साथ किस्मत भी बदलते हैं। समय के साथ किसी की किस्मत चमक जाती है तो किसी के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है। जब दिन बदलते हैं तो आप राशि फल में हर रोज अपने भविष्य को देखते हैं, लेकिन अब नया साल आ गया है, नए साल का स्वागत दुनिया कर रही है, तो ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि नए साल में आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, आपके दिन कैसे होने वाले हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ AMB नेटवर्क पर मिलेगा। ज्योतिष और टैरो कार्ड के विशेषक, देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य आज आपको आपके नए साल का भविष्य बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बैरागी जी का, जो बताएंगे टैरो कार्ड का गुड लक कनेक्शन क्या है, टैरो कार्ड से आपका समय चक्र कैसा रहेगा, जो बताएंगे देश के जानी मानी टैरो कार्ड रीडर बैरागी जी। स्वागत है आपका। और अब बारी है ज्योतिषाचार्य शुभेश शर्मन जी, जो बताएंगे 2024 में कैसे चमकेगी आपकी किस्मत। आगे बढ़ते हैं, 2024 की भविष्यवाणी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भाई राखी जी से टैरो कार्ड के हिसाब से मेष राशि वाले क्या कहते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। मेष राशि, अगर आपके कार्डो की बात की जाए तो आपकी राशि का स्वामी मंगल है और जो आपके कार्ड निकल रहे हैं वो भी लाल रंग के निकल रहे हैं। मेहनत आपकी रंग लाएगी। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो जाएगा। आपका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन काम का बोझ इतना ज़्यादा ना बढ़ा लें कि इस वर्ष आपकी तबीयत खराब हो जाए। बस मैं आपको एक ही बात कहूँगी, पूरे वर्ष हनुमान जी की पूजा जरूर करें। तो चलिए अब शुभेश शर्मा जी के पास चलते हैं, तो बताइए मेष राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं। देखिए, वैसे आप हम सब जानते हैं कि मेष का मालिक मंगल है, और मंगल इस समय जो वर्ष आने वाला है, जो हमारी सनातन संस्कृति का वर्ष है, उसमें राजा के रूप में आएंगे और शनि उसमें मंत्री के रूप में आएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा वर्ष ये तरक्की का तो रहेगा निश्चित रूप से, लेकिन उन्हें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो ऐसे काम ना पकड़ लें जो उनसे होए में ही नहीं। तो इसके लिए एक मैं समाधान भी उनको देना चाहूँगा कि वो मीठा बांटें, हर हाल में मिठास फैलाएँ, जहाँ जितना हो सकता है मीठा बांटें, उससे निश्चित रूप से उनको और भी लाभ होगा। चलिए ये थी मेष राशि की बात, मीठा खाएं और मीठा बोले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की कार्ड्स क्या कहते हैं, पाए राखी जी। बिल्कुल, अगर वृषभ राशि की बात कर ली जाए तो इनकी राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र की बात की जाए तो इन मुझे डिस्टर्ब दिखती है। काम बहुत अच्छा चलेगा, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इतना अच्छा पैसा कमाने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में आके कई बार अपने कुछ नियर एंड डियर को, ये अपशब्द कह सकते हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। विदेश यात्रा होगी, आपसे मैं ये कहूंगी कि इस पूरे वर्ष आप महादेव पर दही अर्पण जरूर करें। तो महादेव जी को प्रसन्न करिए, वृषभ राशि वाले के कार्ड्स कहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि वृषभ राशि के 2024 का साल कैसा रहने वाला है। शुभेश जी, देखिए वृषभ राशि के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो ये जो सूर्य है इस समय जब वर्ष बदल रहा है तो धनु राशि में होगा, इसलिए कहीं ना कहीं बृहस्पति देव की का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और वृष राशि वालों का जो मालिक है वो शुक्र है। तो शुक्र की प्रसन्नता के लिए कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपको स्त्रियों को प्रसन्न रखने के लिए परफ्यूम बांटने का काम करना है, इत्र बांटें, सुगंध फैलाएं। सुगंध फैलाएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, और अपने घर में जब भी शाम को जाएं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के जाएं। क्या बात है, वृषभ राशि वालों के लिए ज्योतिषाचार्य के हिसाब से आप परफ्यूम बांटे, गिफ्ट बांटे, तोहफे बांटे, आपका 2024 का साल बेहद खुशनुमा होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं। बैराखी जी, आपकी राशि का स्वामी बुध है, और अगर मैं आपकी बात कहूँ तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, टैरो में सबसे बड़ा कार्ड होता है। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपनी जबान से कड़वा बोलकर इसे खुद उल्टा कर लेंगे। अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। इस वर्ष आपको मुंह में छाले होने की समस्या रह सकती है, फर्दर फ्यूचर सब कुछ अच्छा, और मैं आपसे कहूंगी इस पूरे वर्ष आप पक्षियों को दाना जरूर। चलिए पक्षियों को दाना जरूर देना चाहिए। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं, क्या इस बार इनके सितारे गर्दिश में रहेंगे या फिर इनके सितारे चमकेंगे। शुभेश जी, मिथुन राशि का जो मालिक है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह जो है वो कुमार अवस्था में रहता है,
इस वर्ष में जो बुध की स्थिति है उसके अनुसार अपने निजी संबंधों पर बहुत ध्यान देना चाहिए मिथुन राशि वालों को। आपसी संबंध अच्छे रहें, परिवार में तालमेल रखें, उनके लिए सबसे ज़रूरी होगा। तरक्की के लिए निरंतर गाय को हरा चारा डालें, गाय की सेवा करें, गाय को जाकर के गौशाला में हरा चारा खिलाएं, तो निश्चित रूप से आपका वर्ष अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के इन राशियों के बारे में आपने जान लिया। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं भाई राखी जी? कर्क राशि की कार्ड निकाले थे, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। आप ओवर इमोशनल होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। इस वर्ष अगर आपकी विदेश जाकर पढ़ाई करने की तमन्ना है और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो वो तमन्ना पूरी होगी। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बंगला भी आप ले सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजेस लेके आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान रहेगी आपकी माँ की हेल्थ की, तो मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, इस पूरे वर्ष आप शंकर भगवान पर कच्चा दूध काले तिल डालकर अर्पण करें। जय माता। कर्क राशि वालों पर महादेव जी की कृपा बनी रहे। अब बात कर लेते हैं नया साल कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, जानते हैं सुदेश जी से। कर्क राशि के जो मालिक हैं वो चंद्र ग्रह हैं और चंद्रमा की स्थिति इस वर्ष में जब प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। चंद्रमा मघा नक्षत्र में होंगे, सिंह राशि में होंगे, तो सिंह से ही सूर्य के कारण ही चंद्र चमकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सूर्य और चंद्र दोनों को अच्छा करने के लिए माता पिता दोनों का ध्यान रखें और बुजुर्ग महिलाएं जो बड़ी उम्र की माताएं हैं उनको कुछ न कुछ खाने की वस्तु दान में दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपके लिए जीवन में अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं वैराखी जी? सिंह राशि की अगर बात की जाए तो मिला जुला सा साल है आपके लिए, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। कार्ड के मुताबिक ये आपके झगड़े बहुत होंगे अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने पति से। सांसारिक जीवन में आप ब्लड रिलेशन से थोड़ी दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करना है। बीपी और शुगर इस वर्ष आपको बहुत तंग कर सकता है। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य देव की आराधना करने के बारे में आपको समझाऊंगी। और ओवर कॉन्फिडेंस अति जो आपके अंदर आएगा वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहें। और आपको मेरी सलाह कि महादेव पर पूरे वर्ष लाल दाल जो होती है, लाल मलका की दाल जिसे कहते हैं, वो अर्पण जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं ज्योतिषाचार्य सुबेश जी से कि सिंह राशि वालों का। देखिए सिंह राशि जो वर्ष है इस वर्ष में नवम स्थान पर रहेगी और उससे उसके मालिक सूर्य हैं, क्योंकि मेष धनु लगन से इसका वर्ष का उदय हो रहा है और नवम में चंद्र के साथ में सिंह राशि रहेगी। तो आपको इसके लिए सबसे बढ़िया काम ये करना है कि अपने भाग्य पर भरोसा तो रखना है, लेकिन जैसा आप ये सोचने लगेंगे सब भाग्य से ही हो जाएगा को भी ध्यान में रखना है और आपको कर्म बहुत ज़रूरी करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको एक प्रयास करना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य अर्घ दें। बालम सूर्य न पश्चिम, सूर्य के उदय से पहले ही उनको अर्घ दें, किसी नदी किनारे जाकर के स्नान करें, गुड़ दान करें, निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं वैराग्य जी? कन्या राशि की कार्ड निकाले जाएं तो इनके लिए विदेश यात्रा दिखाई देती है, बिजनेस बैलेंस रहेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। सबसे बड़ी बात, कन्या राशि वाले 2023 में थोड़े परेशान चल रहे थे, आपकी कोई बीमारी थी तो वो बीमारी इस वर्ष आपको ठीक होते हुए दिखाई देगी। आपकी राशि का स्वामी भी बुध है, जैसा कि सुरेश जी ने कहा कि वो युवा होता है, तो अगर आप युवा हैं और कन्या राशि के हैं तो इस वक्त आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, विदेश जाने का मौका या कोई लोन कर सकता है। मेरी एक सलाह है, पूरे वर्ष महादेव पर हरी इलायची अर्पण। भाई राखी जी के मुताबिक महादेव पर की आराधना करें, महादेव को प्रसन्न करें, आपका 2024 का साल बेहद खुशनुमा होने वाला है। बात करते हैं ज्योतिषाचार्य से कन्या राशि के सितारे क्या कहते हैं। कन्या राशि के सितारे इस समय मध्यम हैं और अच्छा फल मिलने वाला है। कन्या राशि के जो लोग हैं वो अपने दो तरफ दिमाग को ना रखें, एक तरफ निर्णय करके अगर किसी विषय पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वर्ष में सफलता मिलेगी। इसके लिए जहाँ सफलता कम दिखाई दो उसके लिए आपको एक प्रयास करना है, छोटी 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को, बच्चियों को पूजन करके उनको कुछ मीठा देना है, जैसे हलवा बांट सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, आइसक्रीम दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद लें, निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। बात कर ली है हमने 6 राशियों की, अब वक्त है तुला राशि की। तुला राशि वाले के कार्ड्स क्या कहते हैं भाई राखी जी?
राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र की बात करूं तो थोड़ी हेल्थ इस वक्त मेरे को आपकी ठीक 2024 में नहीं दिख रही है, तो अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, ओवरकाम नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप पुरुष हैं और तुला राशि के हैं तो पत्नी को खुश रखेंगे, स्त्री हैं और तुला राशि की हैं तो मेरी आपसे निवेदन है अपने बॉस या आपके घर के अंदर जो आपकी बहुत करीबी आपकी सिस्टर है या आपकी सहेली है उसे खुश रखें, स्त्रियों का सम्मान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे वर्ष महादेव पर आपको पतासे अर्पण जरूर करें। तो तुला राशि वाले अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें। तुला राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं सुभेश जी? देखिए, तुला का अर्थ है तराजू, तोल करके रखना है, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे। स्त्री पुरुष के बीच में अगर आप बैलेंस रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। इसके लिए ये वर्ष जो पहले जितनी परेशानियाँ थी उतनी परेशानियों का नहीं रहेगा, उससे कुछ ना कुछ आपको राहत मिलने वाली है। तो इसके लिए एक और उपाय कर सकते हैं आप इससे गौशाला में जाएँ, गायों के बीच में जाकर के रोटी खिलाएँ, उनको चने की दाल खिलाएँ, उनको हरा चारा खिलाएँ। अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शुक्र को ऊर्जा मिलेगी और आपके संबंध भी अच्छे होंगे और जीवन में निश्चित रूप से आर्थिक संपन्नता भी आएगी। चलिए, संपन्नता आएगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का नया साल कैसे रहने वाला है, क्या होगा उनके लिए स्पेशल 2024 में, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं बताइए। राखी, कुछ नया होगा, न्यू बिगनिंग होगी, किसी से प्यार हो सकता है, शादी हो सकती है, नई गाड़ी, नया बंगला आप ले सकते हैं, फ्यूचर अच्छा रहेगा। परंतु घर में मनमुटाव जैसी स्थितियां रहेंगी, पिता के साथ आपके झगड़े होंगे, वाणी पर कंट्रोल रखें, पिता पिता ही होते हैं ये बात कभी ना भूलें आप, और आपके पैरों कमर कंध में दर्द रहेगा उसका ध्यान रखें। इन सब कष्टों से बचने के लिए महादेव पर पूरे वर्ष आपको 5 दिए प्रदोष काल में जरूर जलाएं। मतलब वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल गुड लक होने वाला है, गुड न्यूज मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं ज्योतिष के हिसाब से वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं सुभेश जी। वृश्चिक राशि जो है उसका एक साइन देखिए आप, वो बिच्छू की तरह हैं, वो हर बार कहीं ना कहीं अपना जो निर्णय करते हैं वो डंक की तरह भी कर लेते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को थोड़ा सरल रखें तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। इस समय आपको ध्यान रखना है अपने भाइयों से संबंध अच्छे रखें, अपने मित्रों से संबंध अच्छे रखें, अपने परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके रखें, इसी से आपको लाभ होने वाला है। और एक और विशेष बात, अपने भाइयों को गिफ्ट दें, अपने मित्रों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, तो इससे आपका मंगल अच्छा होगा और आपके संबंध भी अच्छे होंगे और प्रसन्नता आएगी। तो मंगल ठीक रहेगा वृश्चिक राशि वालों के, तोहफे जरूर दीजिए। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की कार्ड्स क्या कहते हैं भाई राखी जी? उल्टी और नेगेटिव थॉट्स ना लें, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, आपको बहुत टाइम से जो आपके काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका लोन इस वर्ष जरूर उतरेगा, अगर लंबे समय से कर्जा उतारने का सोच रहे थे तो ये साल आपका कर्जा उतरने का साल है। पूरे वर्ष आपको भगवान महादेव पर धतूरा अर्पण जरूर करना। क्या बात है, धनु राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साल रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि के सितारे गर्दिश में रहेंगे या फिर उनके सितारे चमकेंगे, क्या कहते हैं सुभेश जी? देखिए, धनु राशि के जो लॉर्ड हैं जिनके वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति इस वर्ष अच्छा फल देने वाले हैं, वो आरूढ़ अवस्था पर हैं, इसलिए उनकी राशियों से संबंधित लोग निश्चित रूप से अच्छे फल को प्राप्त करेंगे। धर्म पर ध्यान दें, तीर्थ यात्रा करें, और सबसे बढ़िया एक सरल समाधान आपको बता रहा हूँ, किसी योग्य आचार्य को जाकर के प्रणाम करके वस्त्रादिक दान देकर के उनका आशीर्वाद लें, निश्चित रूप से वर्ष अच्छा होने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका ये 2024 का साल बेहद अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं मकर राशि की। मकर राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं भाई? मकर राशि शनि पे तीसरे चरण में है, कोर्ट कचहरी के केसों में आपकी हार होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के केस नहीं है तो वेरी सॉरी, इस वर्ष हो सकते हैं। इसलिए गाड़ी चलाएं तो नियमों का पालन कर चलाएं, कानून को किसी भी क्षेत्र में अपने हाथ में अपना लें, ये मेरी आपको पहली सलाह है। लेकिन आपको धन का लाभ हो सकता है, कोई लंबी और पुरानी रखी हुई प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। आपको मेरा निवेदन है कि पूरे वर्ष आप महादेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। जी हाँ, महादेव के मंदिर में। 2024 का साल मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है ज्योतिष के हिसाब से, चलिए जान लेते हैं सुभेश जी।
देखिए जब हम मकर राशि की बात करते हैं तो एक मगर का स्वरूप हमारे ध्यान में आता है, वो बिल्कुल आराम से पड़े रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो आकर के अपना शिकार करके और अपना पेट भर लेते हैं। इस प्रकार के स्वभाव पर ध्यान नहीं देकर के थोड़े एक्टिव रहें, सावधानी पूर्वक रहें, जैसा राखी जी ने कहा कि सरकार से संबंधित चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप नियमों का पालन करेंगे। जैसे उन्होंने कहा गाड़ी ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगानी है, तो ये बहुत कड़ाई से पालन करें, अपने कागजात अपने पास संभाल करके रखें। एक उपाय इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आदित्य हृदय का पाठ जरूर करें। आदित्य हृदय का पाठ करने से निश्चित रूप से आपके जो सूर्य देव हैं वो प्रसन्न होंगे, उससे आपको सरकारी समस्याओं में राहत मिलेगी। मकर राशि वाले नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं, वैराखी जी? शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहा है और शनि जब कुंभ राशि में होता है काल पुरुष में, तो मैं बता दूं कुंभ राशि शनि देव की सबसे फेवरेट राशि है और उस राशि के स्वामी भी है, मकर राशि के भी स्वामी है। तो आपके लिए ये वर्ष कैसा है ये आप ही को डिसाइड करना है। जी हाँ, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो महादेव की कृपा से, शनिदेव की कृपा से चकदे फटते, यानी आपका वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी वाणी कड़वी हुई, आप आलसी रहे, आपने कामों को टाला और आपने दूसरों की निंदा और बुराई में अपना समय बर्बाद किया, तो इस वर्ष आपको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। यानी कर्म अच्छे करें, अच्छी चीज होंगी। महादेव की पूजा करें और मेरा आपसे निवेदन है कि आप सोमवार के व्रत जरूर। तो कुंभ राशि वालों के लिए बेहद फलदायी होने वाला है सोमवार का व्रत। अब बात करते हैं कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं। देखिए कुंभ राशि का जब हम स्मरण करते हैं तो हमें एक जल का कुंभ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से अपने स्वभाव को अगर हम बना लें कि हम अंदर से शीतल रहें और बाहर से थोड़ा सा आवरण ढक कर के रहें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। जैसा कि साढ़े साथी का प्रभाव है, उसके लिए आपको सरलता के साथ में एक उपाय करना है कि आप उड़द की बनी हुई वस्तुएँ, या तो मीठी हो या नमकीन हो, जो भी हो, आप उनको आम लोगों में बांटें, ज़रूरतमंदों में बांटें, तो निश्चित रूप से आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। गरीबों की सेवा करें, जहाँ आवश्यकता है वहाँ इन वस्तुओं का दान करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि के 2024 के कार्ड्स क्या कहते हैं वायरक जी? सबसे पहले तो मीन राशि में शनि की सारस्वती का पहला चरण चल रहा है और जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं जो 2000 में पैदा हुए हैं, 1998 में पैदा हुए हैं, 1999 में पैदा हुए हैं, उन सब पर शनि की सारस्वती शुरू हो चुकी है। तो मुझे युवाओं की बहुत चिंता है, तो जो मम्मियाँ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके बेटा या बेटी की मीन राशि है, तो पहला इन्हें काले नीले कपड़ों से दूर करें, दूसरा इनको एक खराब से दूर करें, तीसरा इस पूरे वर्ष बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहें और पूरे वर्ष महादेव के मंदिर के अंदर गाय के घी का दिया अर्पण करें, जलाएं और महादेव को एक कटोरी, प्रदोष जब आता है पक्ष और कृष्ण पक्ष का, तो एक कटोरी घी शंकर भगवान पे अर्पण करें, डरें नहीं, सबके लिए बहुत अच्छा है सर। तो मीन राशि की सितारे क्या कहते हैं ज्योतिष के हिसाब से, बताइए सुरेश जी। मीन राशि के जो मालिक हैं वो बृहस्पति देव हैं और अगर हमारे जीवन में बृहस्पति अगर अच्छे हों तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी नहीं होती, किसी प्रकार की शिक्षा में भी दिक्कत नहीं आती। तो उसको अच्छा करने के लिए, वो अच्छा फल दें, इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए, निरंतर अभ्यास पूर्वक अपने जो कुल देवता हैं, अपने जो कुल गुरु हैं, उस परंपरा का निर्वहन करें, जाकर के बृहस्पति देव को प्रसन्न करें, रुद्राभिषेक का करें, रुद्राष्टाध्याय का पाठ करें अथवा आचार्य लोगों से कराएं, निश्चित रूप से आपके जीवन में सड़े साथी का दुष्प्रभाव भी कम होगा और आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, आपको नाम इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो चलिए बात कर ली हमने 12 राशियों की, अब बात करते हैं देश और दुनिया में क्या होने वाला है 2024 उनके लिए, 2024 का ये साल कैसा होने वाला है, कास्ट बताएंगे पहरा कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं शनि का ये साल है और शनि इस साल का आधिपत्य करता है, 2024 जो रहे तो नंबर 8 बनता है और अगर जैसा कि सुबेश जी ने बताया कि विक्रम संवत 2081 के अंदर जो है वो मंगल बनता है राजा और शनि बनते हैं मंत्री, तो मंगल और शनि की युति जब भी होती है विश्व युद्ध होता है, युद्ध की स्थितियां रहेंगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का चाइना का भी युद्ध होगा, आपस में घर में झगड़े बहुत होंगे, फाइनेंस के हिसाब से हम बहुत अच्छा करेंगे, अंतरिक्ष में हम बहुत अच्छा करेंगे, नए नए फोन, नए नए कैमरेज आएंगे, नई तरह के टीवी, नई तरह की गाड़ियां बाजार में आएंगी, किसी बड़े वैज्ञानिक का बहुत बड़ा सम्मान होगा भारत के अंदर। लेकिन विश्व के अंदर अगर मैं देखूं इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो शुरू में जनवरी से लेकर मार्च तक लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट डाउन होती है, आपको दिखेगी इतनी ज़्यादा डाउन होती है कि शेयर मार्केट क्रश हो जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि धर्म भूमि है,
धर्म को लेके बहुत विवाद रहेंगे, सड़कों पर लोग विवाद करते हुए दिखाई देंगे। शनि जुड़ा होता है मजदूरों से, और जब मजदूरों से शनि जुड़ा हुआ होता है तो मजदूरों से जुड़े हुए विवाद और संविधान बदलता है, क्योंकि वो न्यायाधीश है, तो बहुत सारे कानून बदलेंगे, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे चमत्कार है, युग बदलने का वर्ष है। तो 2024 के सितारे क्या कहते हैं, देश और दुनिया में क्या होने वाला है? देखिए, अगर हम 2024 की बात करें तो हमारा जो संवत्सर बदलता है, वहाँ मंगल इस वर्ष के अधिष्ठाता देवता बनने जा रहे हैं, राजा के रूप में रहेंगे। शनि जो है वो मंत्री के रूप में रहेंगे। जब मंगल किसी भी वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजा के रूप में अपना शासन चलाते हैं, तो मंगल हमारे यहाँ ग्रहों में सेनापति के रूप में है। जब सेनापति अपने राज्य को चलाता है तो बड़े कड़े कानून हो जाते हैं, सख्ती हो जाती है, और सख्ती होने में बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो लोगों को सहज स्वीकार नहीं होते। लेकिन शनि चूँकि न्यायकारी हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बैलेंस भी करते हैं। लेकिन जब दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो थोड़ी सी क्रूरता पैदा होती है। वहाँ क्या होता है कि मंगल आगजनी, दुर्घटनाएँ, इस तरह की चीज़ों में वृद्धि करते हैं। मंगल प्रसन्न होते हैं कि जहाँ जहाँ रक्त बहेगा, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि न्याय हो रहा है। सेनापति का अध्याय अपना कौशल दिखाना, अपनी युद्ध शक्ति में अपने पराक्रम को प्रदर्शित करना, और पराक्रम जब भी प्रदर्शित होता है सेनापति का, जब वो विजयी होता है, तो विजयी तो निश्चित रूप से वो लोग होंगे जो मंगल के अनुसार कार्य करेंगे। मंगल का एक रूप है मंगल करने वाला, यानी हनुमान जी आपका कल्याण करेंगे। आपको धर्म से जुड़े रहना पड़ेगा। जो लोग धर्म की धुरी के साथ में रहेंगे, जो लोग धर्म से जुड़े रहेंगे, जो लोग संस्कृति का पालन करेंगे, जो हम राष्ट्र धर्म के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे यहाँ एक श्लोक है, संपूज कालाम परिपालकानाम यतेन्द्रियाणाम तपोघनानाम देशस्थ राष्ट्रस्थ कुलस्थ राज्यस्थ करो तो शांति भगवान को ले जाए। तो हमारे राष्ट्र में शांति हो, प्रसन्नता हो, इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके भगवान की, जो धर्म के साथ जुड़ा रहता है, भगवान का अर्थ ये है कि जो अपने धर्म से जुड़ा है वही कल्याणकारी होगा। तो आप हम सब लोगों के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम धर्म की पालना करें, और मंगल फिर निश्चित रूप से मंगल करते हैं जब हम हनुमान जी की शरण में होते हैं। ऐसा कहा गया ना कि तुम रक्षक काहू को डरना, तो हनुमान जी रक्षक हो तो फिर कहीं कोई आपत्ति नहीं आती। इसलिए हनुमान जी की उपासना करें, धर्म से जुड़े रहें, सनातन संस्कृति का पालन करें, भारतीयता का पालन करें, निश्चित रूप से अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में चुनाव होने वाला है, तो 2024 में राजनीति के कार्ड्स क्या कहते हैं राखी जी? देखिए, 2024 की अगर बात की जाए तो राजनीति के अंदर मैं आपको बता दूं कि मुझे सत्ता परिवर्तन होता दिखता है। इससे आप ये ना समझे कि सत्ता परिवर्तन से मोदी जी नहीं आएंगे, मुझे लगता है बीजेपी बहुत अच्छे उससे जीतेगी। लेकिन हर जगह पर जिस तरह से अभी हमने चार राज्यों में देखा कि मुख्यमंत्री बदल रहे, हर पद पर आप लोगों को बदलते हुए देखेंगे। मैंने आपसे फिर पहले भी कहा, ये सत्ता परिवर्तन का समय है, ये परिवर्तन का समय है। जो राजा है वो प्रजा बन जाएगा, जो प्रजा है वो राजा बन जाएगा। इंसान अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पर। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने आप को दिवालिया घोषित करेंगे और एक जमीन से उठकर चाय वाला करोड़ों रुपये कमाने लगेगा। लोगों की लॉटरी निकलेगी और कई तरह के सरप्राइजेस हमें मिलेंगे। मौसम में बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा 2023 में हम परेशान रहे, लेकिन सूखे से परेशान रहेंगे 2024। तो राजनीति के दांव पेश में उलझा रहेगा 2024, तो राजनीति में क्या होने वाला फेरबदल 2024 में? देखिए, 2024 की अगर मैं मैदानी ज्योतिष के आधार पर अगर चिंतन करें, जब हम सारे विश्व के बारे में और बड़े व्यापक क्षेत्र के बारे में चिंतन करते हैं तो मैत्री सिद्धांतों पर कार्य करना पड़ता है। तो इस समय गुरु ग्रह जो बृहस्पति हैं वो आरूढ़ अवस्था की तरफ है। आरूढ़ अवस्था का अर्थ होता है वो अपनी उच्च राशि की तरफ यात्रा कर रहे हैं। अभी वो मेष में रहेंगे, फिर वो वृष में आएंगे, फिर मिथुन और फिर कर्क में। यहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक कर्क राशि में वो आएंगे तब तक निश्चित रूप से जो धर्म के साथ जुड़े हुए लोग होंगे, जो भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए लोग रहेंगे, उनकी शक्तियाँ बढ़ेंगी और उनकी ताकत बढ़ेगी। वो राजनीतिक दृष्टि से अगर हम चिंतन करें तो जैसा राखी जी ने कहा कि लोग परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन सत्ता परिवर्तित नहीं होगी। सत्ता उन्हीं लोगों की रहेगी जो अभी सत्ता में है। चेहरे बदल सकते हैं, चेहरे बदलने की संभावनाएँ दिखती हैं, लेकिन वही लोग आने वाले हैं जो अभी मौजूद हैं। तो ये थी 2024 की भविष्यवाणी। तो कैसा रहेगा 2024 में 12 राशियों का हाल, देश दुनिया का हाल और राजनीति का हाल? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और टैरो कार्ड के हिसाब से ये पूरा साल किस तरीके से रहेगा, देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ने आपको जानकारी दी।
वाई राकेश जी, सुबेश शर्मन जी, आप यहाँ पर आए, विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से 2024 का साल उनके लिए रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।